हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम बनाते हैं आंवले की चटनी। इसके लिए हमने ले लिया है ये कुछ सामग्री। इसमें हमने लिया है हरी धनिया की पत्ती, जिसको डंठल डंठल बड़े बड़े डंठल हमने निकाल दिया है, ये छोटे छोटे डंठल रख लिए हैं। डंठल डाल के आप चटनी बनाइए, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये हमने 5 आंवला ले लिया है जिसको कट कर लिया है। ये कुछ अदरक के कुछ टुकड़े हैं, आधा इंच अदरक हमने ले लिया है। ये 5 से 6 कलियां हैं, 5 से 6 कलियां लहसुन की ले लिया है। ये 2 हरी मिर्चें हैं जिसको कट कर लिया है हाफ हाफ। ये पुदीने की पत्ती है। आइए अब हम इसको मिक्सर की जार में डाल के धनिया की पत्ती को डाल देंगे, पुदीना भी डाल देंगे, मिर्च को, लहसुन, अदरक को, इसमें सारे आंवले भी डाल देंगे। इन सबको डाल के हम पीस लेंगे। इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे, इसमें हम नमक डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगा के पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बन गई है, आप देख सकते हैं चटनी कितनी बढ़िया बनी है। आइए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, सारी चटनी को निकाल लेंगे हम। कितनी बढ़िया चटनी बनी है। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे, उससे हमारी चटनी और भी स्वादिष्ट हो जाएगी। इसके लिए आइए अब हम इधर पैन रखते हैं, गैस को जला लेते हैं। इसमें हमने तेल लिया है, सरसों का तेल है, इसको गरम कर लेते हैं। फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मिर्ची डाल देते हैं, एक लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, थोड़ी सी राई के दाना। राई के दाने आप आंवले की चटनी में ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। चटनी में तड़का लगा देते हैं, तड़के को डाल देते हैं। ये देखिए इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा चटनी को ऐसे मिला देते हैं। आप इस तरह से चटनी बना के खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये हमारी चटनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।